बॉयज को ही पता होता है गाइस ये सब चीजें। आज मौसम बहुत अच्छा है गाइस, देखो कितना प्यारा लग रहा है, अपना आसान नहीं लगता। हे गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिस साइड वंदना। तो गाइस आज मैं जा रही हूँ कॉलेज और अभी दोपहर के 11 बज रहे हैं। आज मौसम बहुत अच्छा है गाइस, आज ठंड होगी और कल गर्मी थी। कल तो फुल बाजू के कपड़े नहीं पहने जा रहे थे और आज ठंड लग रही है, आज मैंने फुल डाल लिया है। तो गाइस अभी हम चलते हैं और आप सोच रहे होंगे कि 11 बजे कॉलेज क्या करने जाना है। तो गाइस प्रोजेक्ट का काम करना है थोड़ा और प्रोजेक्ट वाले मैम 1 बजे के बाद मिलते हैं, तो चलते हैं। और भाई ने भी कोर्स स्टार्ट कर लिया है, हाय भूसा अपनी ओविश कोर्स स्टार्ट किया है गाइस, जो पता नहीं क्या करने जा रहा है, उठ उठे उठे काम कर रहा है ये। इसको ना लॉक लगता है यहाँ से ऐसे करके ना, इसको ऊपर खींच के और इसको दबा कर रखो, ये आवाज आई ना तो ये लॉक लग गया और इससे भी स्कूटी आगे नहीं जाएगी चाहे जितना मर्जी रेस दे दो। और ये और इसे ऐसे दबा के ये लॉक खुल गया और अब जाएगी आगे। अच्छा गाइस देख लो क्या क्या चीज है, बॉयज को ही पता होता है गाइस ये सब चीजें, हमको तो क्या ही पता होता है। तो गाइस चलते हैं और बारिश भी स्टार्ट हो रही है, चलते हैं अभी रास्ते में क्या पता हम भीग ही जाए। मौसम देखो गाइस कितना सही हो रखा है। गाइस ये हमारा पुराना स्कूल और बच्चे शायद एग्जाम देके आ रहे हैं, इस टाइम पे एग्जाम चल रहे होंगे। गाइस यहाँ पे और ज्यादा ठंड लग रही है क्योंकि यहाँ साथ में ही नहर है ना। और गाइस बारिश वाले दिन तो आज बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। गाइस देखो कितना प्यारा लग रहा है, थोड़ी थोड़ी धुंध भी है यहाँ पे। तो गाइस अभी मैं पहुंची हूँ खरड़ बस स्टैंड और यहाँ से मैंने लांड्रा की बस ले लिया है। और आज ना मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी, मुझे ना कनौली से ही ना डायरेक्ट बस मिल गई थी खरड़ की, और वो भी जो पंजाब रोडवेज है। पंजाब रोडवेज में आपको पता ही है वुमेंस का फ्री आते हैं, तो फ्री में खरड़ तक आ गया। अब यहाँ से लांड्रा चलते हैं तो कॉलेज में देखते हैं। बस आज मैं प्रोजेक्ट के काम के लिए जा रही हूँ, तो देखते हैं प्रोजेक्ट का काम कैसे होता है और टीचर मिलती है। वैसे मैम ने मुझे आज स्पेशली बुलाया था और आज केमिकल्स वगैरह मेरा ना एक्चुअली केमिकल्स वगैरह वाला प्रोजेक्ट है, तो केमिकल्स भी देखते हैं आज, आपको मिलते हैं कॉलेज में। अभी ना मैं अपने कॉलेज में पहुंच गई हूँ और अपने डिपार्टमेंट में अंदर एंट्री कर ली है मैंने, और मेरी फ्रेंड भी मुझे मिल गई थी और वो गई है अभी अपने मैम के पास, इस वाले रूम में अपने मैम के पास अपना प्रोजेक्ट चेक करवाने, और मैं भी जाऊँगी अभी। और गाइस अभी ना मुझे अपने पुराने टीचर मिले, मतलब कि पुराना प्रोजेक्ट था जो मेरा 7th सेमेस्टर का, वो वाले मैम मिले। और मैम मुझे बोलते हैं कि हमारे जो सीनियर मैम है उन्होंने मना किया है कि पुराना प्रोजेक्ट कंटिन्यू नहीं करना, दोबारा प्रोजेक्ट बनाना है। तो गाइस अभी मैं अपने मैम से मिलती हूँ और मैम से बात करती हूँ कि पुराना प्रोजेक्ट हम कंटिन्यू करें या फिर न्यू प्रोजेक्ट हम बनाते हैं, तो देखते हैं गाइस। वैसे मैम कह रहे हैं कि किसी सर्वे पे कर लो, जैसे कि हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ सर्वे। तो गाइस अभी मैं अपनी मैडम से मिलती हूँ और फिर देखती हूँ कि कौन सा प्रोजेक्ट मेरा मिलता है, मुझे कौन सा टॉपिक मिलता है। अभी तो मेरा क्यू मैरिन पे है और फिर आपको बताती हूँ मैं कि कौन सा प्रोजेक्ट है मेरा, और मैं अपने ना प्रोजेक्ट की सारी डिटेल आपसे शेयर करूँगी कि मैंने कैसे प्रोजेक्ट बनाया। अब तो गाइस स्टार्टिंग है प्रोजेक्ट की, और अभी अगर न्यू प्रोजेक्ट मिलेगा तो वो तो स्टार्टिंग से होगा, बट जो मेरा अगर पुराना वाला है तो वो तो मैंने रिपोर्ट रेडी कर रखी है, तो देखते हैं अभी कैसा प्रोजेक्ट बनता है मुझे। सो गाइस अभी हम फ्री हो गए हैं और एक खुशखबरी है, खुशखबरी नहीं मतलब जो मेरा पुराना वाला प्रोजेक्ट था वो चेंज हो गया, अब नवा टॉपिक आ गया है। और मुझे नवा टॉपिक देखने पे तो अच्छा लग रहा है, सुनने में भी अच्छा लग रहा है, करने पे कैसा लगता है ये पता चलेगा। और इस लड़की का, इस औरत का और क्या हुआ गाइस, इस औरत का ना सर्वे वाला है वो ज़्यादा आसान है, एक फॉर्म फिल कर, फॉर्म अपना आसान नहीं लगता बाकी मेरा गाइस नहीं नहीं गाइस मेरा ना केमिस्ट्री वाला है, लैब में परफॉर्म करना पड़ेगा, 4-4 घंटे बैठना पड़ेगा, इसने बैठना दे ले होके वहां पे, और तू भी तो बैठेगी फिर मेरे साथ। तो गाइस देखो अगर मैं बैठी हूँ तो ऑब्वियस सी बात है ये लड़की, ये औरत भी बैठेगी, ऐसे ना इसका औरत है ठीक है। दीदी जी, दीदी है ये मुझसे बड़ी है गाइस, कितने साल बड़ी है तू बता? 1 साल छोटी हूँ मैं। हाँ छोटी आंटी है तू। गाइस अभी ना हम फ्री हो गए हैं, और फ्री तो क्या मतलब कॉलेज में ही अभी हम
इधर उधर होते हैं थोड़ा सा। और गाइस बहुत ज़्यादा टाइम लग गया मैडम के पास, मेरे को तो ज़्यादा ही लग गया। जो मेरे मैम है ना वो अच्छे हैं, मतलब आराम आराम से हर एक चीज़ समझाते हैं। ये तो कब की फ्री हो रखी है। अरे मैं तो सोची थी मैडम के घुटनों में बैठ जाऊँगी, चलो कोई बात नहीं मैडम जी समझा दो आप अच्छे से। नहीं गाइस बैठ के समझ के आई है, अच्छा है मैडम। मैडम ऐसे नहीं बोलना मेरे मैडम को, ठीक है ना। गाइस देखो कितनी गंदी सी है ये गंदी औरत। आज जो तूने गुत कर रखी है आज अच्छी लग रही है, ये मतलब जो पोनी कर रखी है। गाइस अभी हम आज की चौक से होते हुए जा रहे हैं परिवर्तन। इधर से आना, उधर से कहाँ जा दिया गाइस? 4 साल हो गए कॉलेज में, अभी भी नहीं पता कुछ। हाँ तो भी रास्ता जाता है। अब तो रास्ता लंबा नहीं है वो दीदी, हम जा रहा हूँ दीदी, हम जा रहा हूँ दीदी। गाइस पूरे कॉलेज में हम ना पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। हमारी जोड़ी ना मतलब जो होंगे ना बच्चे उनको पता है कि दो लड़कियां इकट्ठे ही रहती है। गाइस ये देखो क्या चल रहा है कॉलेज में, लग रहा है किसी एंगल से कि ये कॉलेज होगा। गाइस वैसे ना ये फ्रंट गेट बन रहा है हमारे कॉलेज का, और वैसे तो हमारे कॉलेज में ना, वैसे गाइस हमारे कॉलेज में 8 गेट है। गाइस अभी बहुत आवाज़ आ रही है, ये देखो गाइस यहाँ पे ना फ्रंट गेट बन रहा है और इधर से ना हाईवे निकलता है, तो इसीलिए ये फ्रंट गेट बना रहे हैं। वैसे पहला फ्रंट गेट ये वाला था। गाइस हमारे कॉलेज में ना 8 गेट हैं, बट ना वो सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही कॉलेज वालों को, इसीलिए 9वां गेट बन रहा है। नहीं गाइस ये ना फ्रंट इसलिए बन रहा है क्योंकि इधर ना हाईवे पड़ता है और ये था पहले, तो इधर ना मतलब कि लाइक जो हाईवे से निकल रहे हैं ना लोग उनको प्रॉपर दिखता नहीं है कि कॉलेज है, तो इसलिए शायद अपना प्रमोशन वगैरह के लिए भी हो सकता है ये, हमें तो यही लगता है। अभी तक तो हमने यही सुना है कि गेट बन रहा है, बाकी क्या पता क्या बन जाए। हमारा लैला मजनू भी ख़राब कर दिया इन्होंने, देखो इतना सही पार्क था ना ये, और इतना ख़राब कर दिया, इतना गुस्सा आ रहा है ना। और ये सब चीज़ें हमारी लास्ट टाइम पर होनी थी, है ना कनिका, है ना दीदी जी? ऐसी चीज़ें हमारी टाइम पे ही होनी थी, मतलब अब हम दोबारा कॉलेज आएंगे ना तो हमें लगेगा नहीं कि वही चीज़ है, ये वो फीलिंग नहीं आएगी जो हमारे को इस टाइम पे है ना। गाइस अभी हम बाहर निकल रहे हैं और हमने बस का टाइम भी देख लिया है, ऑनलाइन चेक कर लेते हैं हम सीटीओ की बसेस का। तेरी बस कितने बजे है? 4:15। और मेरी 3:53 पे, 1 मिनट बाद है, मतलब आने वाली है। इसके अब तो निकल गई, अब इसके बाद वाली बस बता। 7 बजे तक है, थप्पड़ खाएगी। देखो गाइस थप्पड़ मारे है 4:45 पे है, 4:45 पे तो उसके बाद 4:15 है, उसके बाद 4:36 पे है, उसके बाद 5 बजे, तो 4:15 वाली में दोनों चलते हैं। तो अपने पे चल जाइए, मैं अपनी पे, ठीक है? ठीक है ना, जाओ हमें छोड़ के। मुझे बस भी मिल गया, सब घर पहुंच गया और घर पे अंदर कोई नहीं था, मम्मी ऊपर है और शायद भाई सोया हुआ है, और बाहर का मौसम कुछ ऐसा है, हवा चल रही है अच्छी अच्छी वो देखो भाई छोटा सा नीचे घूम रहा है। क्या कर रहे हैं अम्मी? क्या कह रहे हैं अम्मी? बता दो गाइस कैसे हो आप लोग? गाइस हम घर पहुंच के अब घूमने जा रहे हैं। हेलो बाय कर दे यार, 2 रुपए दूंगा। 2 रुपए पीछे वो तुझे बाय करेगा यार, टॉफी दूंगा टॉफी। कोई इंटरेस्ट नहीं है तेरी टॉफी में, ना करना ही नहीं उसने। क्या चीज गाइस किरण हमें सिखा रहा है कि कुत्ते कैसे चलते हैं, देखा कुत्ते कैसे चलते हैं है? गाइस हम रात को 11 बजे घूमने आए हैं क्योंकि आज हम लेट हो गए। ये देखो ये है क्योंकि हम नशे कर रहे थे, ये इसका नाम है हैप्पी डॉग, हैप्पी डॉग। ठीक है ठीक है गाइस, ये है हैप्पी डॉग। कौन सा हैप्पी डॉग? चल आ जा किरण, आ जा जल्दी आ। गाइस हम आज लेट हो गए घूमने आने में क्योंकि मैं प्रोजेक्ट का काम कर रही थी। ये देखो क्या करी जा रहे हैं, ये देखो मुझे चलना सिखा रहा है, भागते कैसे हैं? दिखा दिखा किरण, अब दिखा दोबारा। ये देखो गाइस देखो खेल कैसे रहे हैं ये,
खेल रहे हैं, खेल नहीं रहे, कह रहा है तू मेरे बंदे को, मेरे बंदे को टच कैसे कर रहा है। चुप, ये देखो गाइस, ये देखो तूने टच कैसे किया उसको। भाई साहब डर लगता है इनको देख के एक बारी के लिए। गाइस दिन इस टाइम पे खेल रहे हैं, देखो बेले है ना, हमारे तरह काम नहीं है ये बेले, इनको थोड़ी कुछ है, इनको थोड़ी प्रोजेक्ट बनाना था। हम प्रोजेक्ट के कारण, प्रोजेक्ट के कारण आज हम लेट हुए घूमने में, है ना। जो तेरे प्रोजेक्ट का कुछ आता भी था भाई वो तो बता। शुरुआत है, शुरुआत है, शुरुआत। पता है डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हैं? यस पता है। कैसे करते हैं? पिछला प्रोजेक्ट खुद बनाया है। ओह माय गॉड, किसी एक की भी हेल्प नहीं ली, सिंगल सिंगल। क्या ऐसे करके तू क्या ऐसे जेठालाल।